नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। और एग्जाम्स क्योंकि दे आर राउंड द कॉर्नर, सो प्लीज बकल अप एंड डू प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज मेनी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर यू कैन सॉल्व, यू शुड। आप जानते हैं कि जो AIBE का एग्जाम है, आज थर्सडे है और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे को AIBE का एग्जाम है। और AIBE का एग्जाम की जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 11th ऑफ अक्टूबर को ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और उसमें ये भी आया था कि ओनली बेयर, आपको ये पता है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में जो भी चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि भाई अब आप बेयर एक्ट्स लेकर जा सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको अलाउड नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये ओपन बुक टेस्ट ना होकर भी ओपन बुक टेस्ट होकर भी ये ना के बराबर ही है, ये इस सेंस में, क्योंकि आप जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो नहीं लेके जा सकते। लेकिन अभी रिसेंट 23rd ऑफ अक्टूबर को न्यू नोटिफिकेशन आई है। एक न्यू नोटिफिकेशन ये आई है आपकी कि अब आप बेयर एक्ट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स और कमेंट्स जो है वो आपको अलाउड है, क्योंकि BCI से बहुत बच्चों ने कंप्लेंट की थी कि मार्केट में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स और कमेंट्स के अलावा वाली बुक बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो अब इसलिए उन्होंने अलाउ कर दी है, लेकिन स्टडी मटेरियल और जो शॉर्ट कमेंट्स है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कमेंट स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि लॉन्ग कमेंट्स वाली आप जो बुक्स होती हैं वो आप नहीं लेके जा सकते। जिसमें केस लॉज हैं वो बुक्स आप नहीं लेके जा सकते, जिसमें पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए हैं वो भी आप नहीं लेकर जा सकते हैं। तो जो नॉर्मल बेयरएक्स आपकी आती है जिसमें नीचे छोटे छोटे थोड़े से कमेंट्स और शॉर्ट नोट्स बीच बीच में से लिखे होते हैं, सिर्फ वही आपको अलाउड है। और जो आप वो फ्लैग लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, वो सब भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कमेंट्स जो भी आप थोड़ा पेंसिल से लिख सकते हैं वो आपको, इतना तो आपको अलाउड हो ही जाएगा। और अगर आप गलती से लेकर चले भी जाते हैं तो डरने की बात नहीं है, आपको एग्जाम से बार नहीं किया जाएगा। बस ये होगा ज्यादा से ज्यादा कि आपकी जो बुक है फॉर द टाइम बी, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, उसको सीज कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको वो रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को आप ढंग से पढ़िए। एडमिट कार्ड में जो भी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आपको बॉल पेन यूज करना है, ब्लू या ब्लैक, उसको आप ढंग से एक बार एडमिट कार्ड को पढ़िए। उसमें आपको, उसमें लिखा है फोटो आईडी भी ले जानी बहुत जरूरी है। जो अधिकतर ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड तो ले गए लेकिन हम फोटो आईडी ले जाना भूल गए, तो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास, वो आप बतौर फोटो आईडी के तौर पर लेके जा सकते हैं। और आप स्मार्ट वॉचेस अपनी या कोई भी अपने अदर वैल्यूएबल्स ना लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप उसको आप अपने बैग में भी रख देंगे तो हो सकता है कि देर इज एवरी चांस ऑफ लूजिंग योर प्रॉपर्टी, या फिर वो कहीं मिसप्लेस हो जाए। अच्छा, एक AIBE की एग्जाम की मैं एक खासियत बताना चाहती हूँ। जो बच्चे आगे सोच रहे हैं देने के लिए, या ये सोच रहे हैं कि हम कि पहली बात तो ये कि AIBE का जो एग्जाम है वो आपका एडवोकेसी, आगे एडवोकेसी करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन जुडिशरी के या फिर और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि भाई उसमें ऐसा है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर चाहे तो ऐसा फर्दर फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं कि AIBE का एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो AIBE का एग्जाम चाहे आप जुडिशियरी के लिए ही प्रिपेयर करें ऑल टुगेदर, या फिर एडवोकेसी के लिए तो है जरूरी। अगर आप जुडिशियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप AIBE का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि इसमें एग्जाम देने में आपके कोई एक को कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, आपके एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको बताया 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 मार्क्स की जो इसमें एग्जाम ड्यूरेशन है वो आपका 3.5 घंटे है। 11 लैंग्वेजेस में ये वैसे पेपर आएगा। और क्योंकि ये 3.5 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और इसमें जो मिनिमम आपके पासिंग मार्क्स आने जरूरी है वो है 40 जनरल कैटेगरी के लिए, और SC और ST कैटेगरी के लिए है 35 मार्क्स। ठीक, तो पहली अपनी जो आपने प्रायोरिटी रखी है टू स्कोर 40 मार्क्स, कि मेरे 40 मार्क्स आ जाए पहले, और उसके बाद आप अपना आगे की प्रिपरेशन जो है, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिएगा। ठीक बात है, तो यही है कि कोई नए टॉपिक्स अब आप मत पढ़िए, सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो 2000 ये पेपर एग्जाम है, 2000 सॉरी पेपर 14, पेपर 15, क्योंकि आपका AIBE 16 एग्जाम है, तो 14, 15, 13, 12 ये सारे आप सॉल्व करिए कि देखिए आप कितने टाइम में कर सकते हैं, और बिना किसी बेयर एक्ट के या किसके आप 40 अटेम्प्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, फोटो आईडी वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको इनविजिलेटर देता है स्टार्टिंग में, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो डोंट स्टक इनटू दैट क्वेश्चन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बात है, क्योंकि टाइम जो है आप एग्जाम में देखते हैं कि व्हाइल ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हाउ फ्लाइज।
ठीक है। उसके बाद वेस्ट करने का जरूरी नहीं है टाइम, फोकस रहे, टाइम वेस्ट ना करें। एक क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपका जो एग्जाम, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें सिर्फ पास लिखा होता है कि आपने AIB का एग्जाम पास कर लिया है, उसमें आपके परसेंटेज नहीं होते। ये परसेंटेज आपकी खुद के लिए है कि आप खुद की कैपेबिलिटी क्या है टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो 40% आप ले आइए, 40%, इसलिए आप फोकस 40% पर ही करिएगा, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, IPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और एविडेंस एक्ट है, इसके अलावा टॉर्ट्स हो गया आपका, SRA हो गई, और मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मोटर व्हीकल के और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, और PIL से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, लैंड एक्विजिशन एक्ट के, और कंपनी लॉ के, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स के अगर आप करके जाएंगे, मेजर और माइनर जो कि ज्यादातर हर एक स्टेट जुडिशियरी में भी आते हैं, और आपने कहीं ना कहीं उसे अपने कॉलेज लेवल पर वाइल डूइंग BA LLB या LLB के दौरान भी आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो वो उसमें से ही आप बड़ी आसानी से 40% मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए डू प्रायोरिटाइज टू स्कोर 40 मार्क्स फर्स्ट, और उसके बाद आप अपना आगे का देखिए कि हाँ भाई अब मेरे 40 हो गए, अब मैं आगे कर लो, और अटेम्प्ट आप सारे करके आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक बात है। तो एग्जाम टिप्स मैंने दे दिया। सिलेबस के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसकी एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई गई थी AIB के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बस अब आप 2-3 दिन आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस वगैरह याद कर लीजिए, जो मेन केस लॉज है अगर उनको पढ़ लीजिए, और फिर अपना एग्जाम जो सैम्पल पेपर है या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करिए। एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू विल इजिली क्रैक दिस पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम के बारे में डिटेल्स जो मैंने दी है वो समझ में आ गई होगी। तो बस अब आप फटाफट से ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए। एंड इफ यू हैव डू एनी क्वेरी, डू कॉल ऑन दिस नंबर 7500110031। थैंक यू, थैंक यू।